हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो हो गया है आज सुबह। आज का सुबह जो है मेरा बहुत ज़्यादा हैट्रिक भरा रहा, क्योंकि मुझे उठने में जो है आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैं लेट उठी, 8-9 बज गया था। तो क्या होता है कि अगर आपको कोई काम नहीं होता है, कॉलेज नहीं होता है, कुछ काम नहीं होता है, तो आप लोग ना निश्चिंत होकर सोते हो, कोई फिक्र ही नहीं है। इसलिए मैं भी जो है लेट से ही उठी, इसलिए मुझे ना बहुत जल्दी जल्दी में सारा काम करना पड़ा। सबसे पहले तो फ्रेश होकर मैं बेड ठीक कर रही हूँ, क्योंकि जब भी सोने के लिए रात में जाती हूँ गाइस, तो मेरे ना बेड पे सारा सामान रहता है। जैसे कि आप देख रहे हो एक्सटेंशन बोर्ड, एंड बेड के ऊपर आप देखो जितना भी सामान होता है, लाइक मेरा मॉइस्चराइजर से लेके मेरा डीओ वीओ जो भी होता है, सब मेरा बेड के ऊपर ही रहता है। वो ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ना मैं इसके जो है सबसे पहले जो है मैं अपना बेड ही ठीक करती हूँ। आई थिंक आप लोग भी सबसे पहले उठ के फ्रेंड्स यही करते होगे कि अपना बेड ठीक करते होगे, क्योंकि अगर आपका बेड सही रहता है ना, तो आपका रूम का जो लुक जो है वो बहुत सही रहता है। एंड आप देखो कितना सारा सामान है, सब कुछ जो है मैं अपने बेड के ऊपर ही रखती हूँ। मेरे बेड पे इसलिए भी इतना सारा सामान रहता है, क्योंकि फ्लैट में आपको जो है बॉक्सेस वगैरह कबर्ड वगैरह नहीं दिया रहता, वो खुद से खरीदना रहता है। मुझे परमानेंटली यहाँ रहना नहीं है, तो मैंने इसलिए जो है परचेज़ नहीं किया है। एंड फ्रेंड्स, मेरा पूरा जो है रूम अभी जो है साफ़ हो चुका है, मैं थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ। तो मैंने अपना बेड ठीक कर लिया फ्रेंड्स, तो मैं अब आ गई हूँ अपनी किचन के तरफ। तो किचन में मैं थोड़ा जो भी सामान है वो अरेंज करूँगी, एंड मैं अब जो है अब गर्म पानी पीऊँगी। मेरा सबसे पहला काम ये होता है दिन का शुरुआत, कि मैं गर्म पानी पीती हूँ। जिसमें मैं गर्म पानी की उसी में मैं चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ तो ना मुझे रिफ्रेश फील नहीं होता है। सर आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा। एंड चाय जो है मोस्टली मैं वो ना अदरक वाली प्रीफर करती हूँ। अदरक जो होता है अभी के टाइम में बेनिफिशियल बहुत होता है। एंड देखो इंडियन देसी फेमस जुगाड़, अगर मेरे पास कुछ नहीं था तो वो बेलन से ही मैं अदरक कूटती। पानी बॉईल हो चुका है, तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया। मेरा चाय भी बनके रेडी है। जब चाय छानने से पहले जो है मैं इसमें थोड़ा सा जो है चाय मसाला मिलाती हूँ, इससे चाय की जो में जो है ना एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिसमें जितने बहुत सारे स्पाइसेस भी मिले होते हैं, जो बहुत ही अच्छा होता है। हे फ्रेंड्स, मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है, मैं बात लेके आ गई हूँ। जब मेरा हेयर जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तब मैं सीरम अप्लाई करूँगी। आप भी तभी सीरम अप्लाई किया करो, क्योंकि तभी परफेक्ट टाइमिंग होता है सीरम अप्लाई करने के लिए। तो मैं इसलिए मैं अभी आपके सामने आई हूँ, कि मैं सोच रही थी कि मैं जो स्किन केयर अप्लाई करती हूँ विंटर के टाइम में आफ्टर बाथ, मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए। क्योंकि ठंड के टाइम में क्या होता है, हमारा स्किन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो हमारे स्किन को जो है पैम्परिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग को भी बताऊँ कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ अपने विंटर स्किन केयर में आफ्टर बाथ। तो सबसे पहले जो है वो मैं डाबर गुलाबरी का जो है वो टोनर यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। टोनर को जब भी आप अप्लाई करें, आप मसाज करके जो है उसे नहीं अपने फेस पे मिलाएं, आप ये इस तरीके से डैब डैब करके जो है अपने फेस पे पूरे टोनर को अप्लाई करें। टोनर अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स, मैं गुड वाइब्स का एसेंशियल ऑयल यूज़ करूँगी। ये ऑरेंज फ्लेवर का है, तो ये जो है स्किन के लिए ना बहुत सही होता है। मेरा मुझे क्या है कि इसका पर्सनली मुझे इसका फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है, ऑरेंज फ्लेवर का है। आपको बस अपनी हथेली पे जो है 2-3 ड्रॉप्स लेना है। देन उसे अगेन जो है डैब डैब करके ही अपने स्किन पे पूरा लगाना है अच्छे तरीके से। आप अगर इसे डैब डैब करके अपनी स्किन पे लगाओगे ना, तो वो जो है पूरे अच्छे तरीके से आपके स्किन के अंदर चली जाएगी, आपके पोर्स के अंदर, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। देन नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ अपने स्किन केयर में लैक्मी का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र, जो स्किन को ना बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करता है। मुझे ये ना बहुत पसंद है, मैं ये बहुत सालों से इसे यूज़ कर रही हूँ। स्किन पे इस तरीके से डॉट डॉट करके और मैं अच्छी तरीके से इसे मिला दूँगी।
एंड मेरा स्किन केयर खत्म हो गया। देखो कितना अच्छा, जब आप बात करके आते हो ना गाइस, तो आपका स्किन जो होता है, फेस वॉश अप्लाई करते हो या कोई सोप अप्लाई करता है, तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा रूखा रूखा टाइप से लगता है, खास करके विंटर के टाइम में। तो विंटर के टाइम में क्या होता है कि आपको ना फेस पे मॉइस्चराइजर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। इसलिए गाइस जो है, मैं जो पहले डाबर गुलाबी का जो होता है टोनर वो अप्लाई करती हूँ, एसेंशियल ऑयल अप्लाई करती हूँ, देन मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ, मेरा स्किन फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। हे फ्रेंड्स, अभी शाम के हो रहे हैं 5:28 एंड मैं अभी जा रही हूँ मार्ट, मुझे कुछ ग्रॉसरी का सामान लेना था। चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि जहाँ मैं रहती हूँ जिस सोसाइटी में, वहाँ का मार्ट कैसा है। यहाँ क्या बताऊँ फ्रेंड्स, मुझे यहाँ थोड़ा म्यूट कर देना पड़ा कि ये दरवाज़ा जो है ये खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत टाइम बाद फाइनली खुल गया। मैं जाऊँगी लिफ्ट के थ्रू एंड मैंने पहले ही लिफ्ट का बटन ऑन कर दिया है। अब मेरा कभी भी लिफ्ट का दरवाजा खुलने वाला है। खुल जा अनलॉक। मुझे कहाँ जाना है, फ्लोर जीरो। मेरे लिफ्ट में जो है यहाँ पे ना वाईफाई फ्री है। मैं सोचती हूँ कि जब भी मैं वाईफाई ऑन करती हूँ, मुझे कुछ डाउनलोड करना है, उससे पहले जो मेरा डेस्टिनेशन आ जाता है। गाइज ना, जब मैं सूट कर रही थी ना, तो ये अंकल आ गए थे, इसलिए मैं सूट नहीं कर पाई थी। अंकल देख रहे थे कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। गाइज, मेरे फ्लैट के ना जस्ट नीचे ना यहाँ एक मंदिर है, तो चलिए मैं ना आज आपको मंदिर दिखाती हूँ यहाँ का। ये रहा मंदिर। ये जो मंदिर है ना, मेरे ना फ्लैट के जस्ट नीचे है, तो हम लोग यहाँ अक्सर आते हैं। जो मार्ट है ना, वो थोड़ा दूर पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ का जो एंट्रेंस गेट है ना, मेन गेट जो है, फ्रंट का गेट वहीं पे है, एंड जो यहाँ का मेन गेट है वो एटलीस्ट 1 किलोमीटर है, तो हमें उतना ना चल के जाना पड़ता है। यहाँ पे वैसे गाड़ी भी जो होता है ना, ई रिक्शा, वो भी प्रोवाइड की गई हुई है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन 1 किलोमीटर तो कोई भी ऐसे पैदल भी चल सकता है। तो हम लोग ऐसे ही, हमारा क्या होता है, जब अगर हम लोग शाम को जाते हैं तो हमारा इवनिंग वॉक हो जाता है, अगर मॉर्निंग को जाओ मार्ट में तो मॉर्निंग वॉक हो जाता है। गाइस, मैं ना अभी आपको क्विक व्यू देती हूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ का नज़ारा मुझे, खास करके यहाँ पे जो पार्क वगैरह दिए गए हुए हैं ना, तो आराम से आप जो है चिल आउट कर सकते हो शाम के टाइम में आके। कभी भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, आप कभी भी आ सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ़ोटोशूट के लिए भी जो है यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्लेस दी गई हुई है कि आप आराम से जो है ना फ़ोटोशूट करवा सकते हो। ये देखो बिल्डिंग्स, जहाँ देखो वहीं बिल्डिंग्स। मुझे सबसे अच्छा लगता है जो भी ब्लॉक है ना, हर एक ब्लॉक के नीचे में जो ना ऐसे छोटे से छोटे तो पार्क दिए हुए हैं हर एक ब्लॉक के नीचे। तो चलिए हम लोग चलते हैं मार्ट की तरफ। गाइस, एक प्रॉब्लम होती है क्या कि किसी भी सोसाइटी का अगर कोई मार्ट होता है ना, वो लिटिल बिट ऑफ जो है आपको कॉस्टली पड़ जाता है। मतलब कि मार्ट में जितने भी सामान वगैरह होते हैं वो थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल जो MRP रेट होता है उसी पे मिलता है, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता। इस वजह से ना यहाँ पे ना थोड़े पैसे हम लोग की ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, कॉस्टली आ रहा है सामान, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पड़ जा रहा है। तो और मेन है कि हम लोग यहाँ तो परमानेंट रहने वाले नहीं हैं, जब हमारे कॉलेज में एडमिशन्स वगैरह हो जाएंगे तो हम लोग जो जहाँ हमारा कैंपस है कॉलेज का, हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ रहेंगे, यहाँ से अप्रॉक्स जो है मेरा कॉलेज 12 किलोमीटर दूर है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम लोग को फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ जाने में, फिर पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इतना डिस्टेंस मेंटेन करना, डेली 12 जाना 12 आना, इट्स क्वाइट बी इम्पॉसिबल हो जाएगा, बहुत थक जाएंगे, तो यार पढ़ेंगे क्या, वही बात हो जाती है। तो हम लोगों ने सोचा कि कैंपस की तरफ ही हम लोग जो है अपना रूम लेंगे, हम 3 फ्रेंड्स लेंगे, तो हम लोग सारे मिलके ना कैंपस की तरफ ही रूम लेंगे। यहाँ का सामान भी कॉस्टली है बहुत ज़्यादा, एंड कुछ है भी नहीं, मतलब सोसाइटी के आसपास कोई नहीं है। मास्क तो उतार सकती हूँ, सोसाइटी के आसपास कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से अप्रॉक्स 3-4 किलोमीटर अगर जाती हूँ तो एक मॉल है, तो मैं कभी वहाँ जाऊँगी तो वहाँ का विजिट मैं आपको ज़रूर दूँगी। एंड
फ्रेंड्स हम लोग यहाँ इसलिए भी नहीं रहना चाह रहे हैं कि बात क्या हो जाती है, ये सोसाइटी है तो यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा फैमिलीज रहते हैं क्या हमारे एज के, हमारे जो भी हम लोग हैं स्टूडेंट हैं वैसे कोई नहीं रहते हैं, तो हमें ना इंटरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई रहता नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए एक रीज़न ये भी है कि हमारा मन नहीं लगने का कि यहाँ सिर्फ फैमिलीज रहते हैं, सोसाइटी है तो फैमिलीज ही रहेंगे, इसलिए ना हमारा और भी मन नहीं लगता, मन हो रहा है कि कब है ना यहाँ से निकलूँ, बट क्या करूँ, काम है तो करना ही पड़ेगा, यहाँ अभी थोड़े दिन के लिए रहना ही पड़ेगा। जैसे ही ना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एडमिशन हो जाएंगे हमारे, हम लोग ना मतलब मन करें यहाँ से भाग जाऊँ। एंड फ्रेंड्स आप लोगों से बात करते करते पता नहीं चला कि कब मार्ट आ गया, मेरा मार्ट आ चुका है, तो मिलती हूँ मैं आपसे मार्ट में। मैं दिखाती हूँ, छोटा सा ही है यहाँ का मार्ट, लेकिन क्या होता है कि जितने भी सामान की रिक्वायरमेंट होती है आपको डेली नीड्स में, डेली यूजेस में, वो सारे आपको नहीं यहाँ इजीली वे में मिल जाते हैं। एक छोटा सा फास्ट फूड का भी शॉप यहाँ पे खुल गया है, इफ़ यू वॉन्ट टू ईट समोसाज, बड़ा पाव एंड ऑल दैट, तो वो सब भी यहाँ पे मिल जाता है। फ्रेंड्स मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, तो फाइनली जो भी सामान होता है ग्रॉसरी का वो मैंने ले लिया, एंड मेरा बिल जो है शायद 753 हुआ, जैसा मैंने बोला था ये बहुत कॉस्टली जगह है, पर क्या करें, नेसेसरी का सामान चाहे कुछ भी हो जाए आपको लेना ही पड़ेगा, आप जो है इग्नोर इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते हो, तो मैंने भी ले लिया। मुझे ना एक चीज़ यहाँ का बहुत अच्छा लगता है कि आप जो भी सामान लेते हो ना, तो वो अगर आपको अपने साथ नहीं ले जाना है तो आप अपना फ्लैट नंबर जो है वो लिखवा दो, एंड जो भी ब्लॉक है आपका वो लिखवा दो, कौन से ब्लॉक में है, जी बी सी जो भी हो वो लिखवा दो, वो ना आपके फ्लैट पे जो है आपको पहुँचा देंगे। ये चीज़ ना मुझे यहाँ की ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि ये सामान कैरी नहीं करना पड़ता है, वो आपको आपके फ्लैट पर जो है आराम से पहुँचा देते हैं। तो फटाफट मैं जाती हूँ क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा छा गया है, जिसे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अंधेरा छा गया है, तो मुझे भी जल्दी जल्दी अपने फ्लैट पे पहुँचना चाहिए, तो मिलती मैं आपसे फ्लैट पे। वैसे सीरियसली मैं ना, मुझे ना ब्लॉगिंग आती नहीं है करने के लिए, आई एम अ वेरी बैड ब्लॉगर, लेकिन मैं एफर्ट कर रही हूँ अपना, छोटी सी कोशिश, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ की तो शुरुआत एक बार होती ही है, तो मैंने भी सोचा कि इसकी शुरुआत कर ही डालो, जय श्री राम हो ही जाए, तो मैंने भी ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे सीख जाऊंगी कि ब्लॉग कैसे किया जाता है, कैसे शूट किया जाता है एंड ऑल दैट, अगर आप लोग का सपोर्ट रहे तो। और क्या बोलूँ, बातें तो बहुत सारी होती हैं आप लोग के साथ, करने को बहुत सारी बातें हैं जो करना चाहती हूँ, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, लेकिन उतना समय होता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप लोग के साथ क्या होता है, क्यों कोई YouTube पे आता है, अपने ये मन की बातें करने के लिए, सब कुछ जो भी होता है अपने मन की बातें करो, अपना फ्रस्ट्रेशन थोड़ा आप लोग के साथ शेयर करो, ताकि क्या होता क्या है कि आप किसी से कोई भी बातें शेयर करो तो आपका ना मन बहुत ज़्यादा हल्का होता है शेयर करने से, आपका अगर आप बोर हो रहे हो, दैट इज़ अ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है YouTube, किसी भी टैलेंट को निकालने के लिए किसी से बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जनरली लोग समझते हैं कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाती हो, पैसे मिलते होंगे, ऐसा नहीं होता है, पैसे के लिए ही सब यूट्यूब पे नहीं आते हैं, ठीक है ना, सब यूट्यूब पे पैसे के लिए नहीं आते हैं, हाँ मानती हूँ वो एक होती है प्रायोरिटी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसी के का पैसा नहीं होता है, अपना मन होता है एक करने को, YouTube पे आने को, मतलब आपके साथ आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर करने को, तो उन सभी चीज़ों को ना हम पैसों में नहीं तोड़ सकते हैं, सब कुछ जो होता है एक जो फीलिंग होती है उनको पैसों से नहीं तोला जा सकता है। इसलिए ना गाइस
मैं आती हूँ, मुझे ना आप लोगों के साथ क्या होता है कि इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ मुझे पता है कि थोड़ी एजिटेशन होती है मुझे बोलने में, मैं मुझे क्या होता है कि बार बार मुझे किसी भी चीज़ को सूट करना पड़ता है, मैं क्या होता है जैसे कि कट करना पड़ता है, स्पीक करना पड़ता है। जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैं बहुत ज़्यादा जगह रुक जाती हूँ, कि मैं फ्रेंक नहीं हूँ उस तरीके से बोलने के लिए अभी फिलहाल के लिए, लेकिन मैं धीरे धीरे हो जाऊँगी। आप लोग का सपोर्ट रहा तो जैसा मैं बोली हूँ, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, एंड जाते जाते मेरे वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ अच्छा लगे तो, एंड कमेंट में जरूर बताना कि कैसे ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता। अगर आप लोग को आता हो तो मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के एंड आपके बारे में जान के सब कुछ। बाय।